हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड एनटीपीसी 2090 के वैकेंसी को लेकर। दोनों की वैकेंसी में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों की वैकेंसी में कितना कितना डिफरेंस है और कितनी वैकेंसी 2090 में आई थी और 2024 के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहे। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल साइट है सिकंदराबाद की, तो हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की वैकेंसी को लेकर 2024 और 2090 की। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर कि एनटीपीसी में वैकेंसी कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए, टोटल जो वैकेंसी होती है एनटीपीसी में, ये वैकेंसी आपकी एनटीपीसी के अंदर आरआरबी के द्वारा दी जाती हैं कि आप इन इन में फॉर्म भरकर इन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 13 टाइप्स की जो टोटल वैकेंसी हैं, इनमें ही आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं, ये 10+2 और ग्रेजुएशन वाली दो दो पोस्ट, मतलब दो पोस्ट होती है। एक तो 10+2 लेवल की होती है, जो 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन वाली होती है उसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन वाले 10+2 में भी अप्लाई करते हैं और ग्रेजुएशन वाले में होती हैं, दोनों में कर सकते हैं, लेकिन 10+2 वाला जो 12th किया हुआ है वो केवल 12th एग्ज़ाम को में ही एग्ज़ाम वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, ये जो 4 लेवल तक की, सॉरी, ये जो 3 लेवल तक की जो पोस्ट होती हैं, ये 10+2 की एग्ज़ाम की पोस्ट होती हैं, और बाकी ये 6 से लेकर 13 तक आपकी ग्रेजुएशन की पोस्ट होती हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। तो देखिए, ये 12th लेवल, जो 12th लेवल की वैकेंसी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होती हैं। ये 2 लेवल की, 2 लेवल की आप देख सकते हो, ये लेवल लिखे हुए हैं, और ये ग्रेड पे जो आपकी है 19,900 और ये इस तरह से कि आप देख रहे हो। हम बात करते हैं पोस्ट को लेकर कि देखिए, ये जो 2019 के अंदर आपकी पोस्ट दी गई थी, इसमें क्या था, जो आपकी जो फर्स्ट नंबर की है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसमें 4,319 पोस्ट थी। सेकंड वाली में, अकाउंट वाली में 760 थी। जूनियर टाइम कीपर में 17 पोस्ट थी, एंड फोर्थ वाले ट्रेन क्लर्क में 592 पोस्ट थी, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपकी 4,940 थी। तो ये 12th लेवल की एग्ज़ाम के लिए पोस्ट निकली थी, जिसमें 10,628 पोस्ट टोटल थी। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए कि ग्रेजुएशन वालों के लिए जो पोस्ट थी वो ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि 4 लेवल की होती है, गुड्स गार्ड 5th लेवल की है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5 लेवल की है, ये सारी 5 लेवल की है, और ये दो पोस्ट जो है कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये दोनों 6-6 लेवल की है, बाकी सारी पोस्ट 5th लेवल और 4th लेवल की है, और जो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन लेवल की लिए है। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में जो 2019 के अंदर थी, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया था, ग्रेजुएट पोस्ट है ये, ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 पोस्ट थी, जबकि गुड्स गार्ड की 5,748 थी, सीनियर कमर्शियल इसकी 5,638 थी, और 4 नंबर की जो पोस्ट है उसमें 2,873 पोस्ट थी, 5th नंबर की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 3,164 पोस्ट थी, सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट जो है 14 थी, कमर्शियल अप्रेंटिस की 259 एंड स्टेशन मास्टर की, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, 6,865। ये जो वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी है, ठीक है, 2019 की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो 2024, मतलब 2024 के अंदर आप जिस एनटीपीसी का वेट कर रहे हो,
ग्रेजुएशन वाली और नॉन ग्रेजुएशन वाली, मतलब 12th लेवल की, उसमें कितनी कितनी पोस्ट हो सकती हैं, तो देखिए, तो हम बात करते हैं 2024 में कितनी पोस्ट हो सकती हैं। तो देखिए, आपकी जो एनटीपीसी में जो पोस्ट होगी 10+2 की और ग्रेजुएशन की, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें दोनों को मिलाकर इसमें जो पोस्ट होने वाली हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ये जी 12th लेवल की जो 2019 के अंदर पोस्ट थी 10,628 थी, तो इस बार ये पोस्ट कम से कम 7,000 के आसपास आपकी पोस्ट हो सकती हैं, 7,000+ के आसपास ये पोस्ट होगी 12th लेवल के अंदर। पिछली बार 10,628 थी 12th लेवल में, और इस बार 7,000 या 7,500 से प्लस ही होगी। और जो अंडर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट थी उसमें आपकी 24,649 पोस्ट टोटल थी, तो इस बार ये पोस्ट कम से कम 22,000 से प्लस पोस्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट होगी 22,000, अगर कम से कम देखें तो मान लीजिए 20,000 और 7,000 या 7,500 वो, तो इस तरह से आपकी कम से कम 27,000 पोस्ट आपकी आने वाली हैं ग्रेजुएशन और 10+2 के लिए। ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, कम से कम 20,000 तक ये पोस्ट होगी। तो इस तरह से आपकी ये पोस्ट होने वाली है, और आप तैयारी में लगे रहिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपकी पोस्ट 27,000, 26,000, 27,000, 28,000 कुछ भी हो सकती है। अगर हो सके तो ये 30,000 के बाहर भी जा सकती हैं, ये RRB पर डिपेंड करता है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।